नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मा लेक्चर्स में। और आज हम बात करेंगे फिजिकल फार्माक्यूटिक्स 1 की यूनिट नंबर 5 का जो लास्ट टॉपिक है बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, उसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें कोई भी स्वेलिंग नहीं होती या कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता टिश्यूज़ में। उनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है और कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होता जब इंजेक्ट किए जाते हैं आई में या फिर नेसल ट्रैक्ट में या ब्लड में। ऑस्मोसिस जो मूवमेंट होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, हाई कंसंट्रेशन है जिस रीजन में सॉल्यूट की उस साइड से उस रीजन में होती है जहाँ पे लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है। मतलब हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन से लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है और बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है इस मूवमेंट के अगेंस्ट, उसे हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट, आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, ये दोनों सेम ही होता है। ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वही जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। नेक्स्ट, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। अगर कोई किसी भी सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज़्यादा है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl से, तो हम उसे बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इस केस में जो सेल होता है वो श्रिंक हो जाता है और रिंकल्ड हो जाता है। नेक्स्ट, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, अगर किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl से, तो हम उसे बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और इस केस में जो सेल होता है वो स्वेल होता है और फाइनली बस्ट हो जाता है और हीमोग्लोबिन लिबरेट होता है उसके अंदर से। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमोलाइसिस, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ RBC। ये एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक नॉर्मल सेल है, तीन कंडीशन शो हो रही हैं। हाइपरटोनिक में सेल का साइज डिक्रीज हो जाएगा, आइसोटोनिक में सेम रहेगा और हाइपोटोनिक में इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑस्मोलैलिटी क्या होता है और ऑस्मोलैरिटी क्या होता है। तो सबसे पहले ऑस्मोलैलिटी, इट इज़ द नंबर ऑफ ऑस्मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन अ किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूट के कितने ऑस्मोल्स प्रेजेंट होंगे एक किलो सॉल्वेंट में। नेक्स्ट, ऑस्मोलैरिटी ये होता है कि कितने नंबर ऑस्मोल्स प्रेजेंट होंगे सॉल्यूट के एक लीटर सॉल्यूशन में, वहाँ पे किलोग्राम है ऑस्मोलैरिटी में और ऑस्मोलैरिटी में लीटर है। नेक्स्ट टॉपिक आता है टोनिसिटी। जो टोनिसिटी होता है ये एक मेज़र होता है ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट का दो सॉल्यूशंस के बीच में जो कि सेपरेट हैं एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। इसे मेज़र किया जाता है मोल पर लीटर, इसकी यूनिट होती है ये। फिर टोनिसिटी मेज़र करने के दो मेथड्स होते हैं, पहला होता है हीमोलाइटिक मेथड, दूसरा होता है कॉलिगेटिव मेथड। तो हीमोलाइटिक मेथड देखते हैं। इस मेथड में एक RBC होता है, उसे अलग अलग सॉल्यूशंस में रखा जाता है और चेक किया जाता है कि जो RBC है या वो स्वेल हुआ या श्रिंक हुआ या जैसा था पहले वैसा ही रहा। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर RBC को रखेंगे तो सेल श्रिंक कर जाएगा क्योंकि मूवमेंट होती है फ्लूइड की सेल के अंदर से सेल के बाहर। और अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे RBC को तो वो स्वेल हो जाएगा क्योंकि फ्लूइड एंटर करता है इस कंडीशन में सेल के अंदर। और अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं RBC को तो जो सेल होता है उसकी शेप चेंज नहीं होती, सेम ही रहती है। मतलब जितना सेल से फ्लूइड बाहर जाता है उतना ही उसके अंदर आता है। नेक्स्ट मेथड होता है मेज़र करने के लिए टोनिसिटी किसी भी सॉल्यूशन का, कॉलिगेटिव मेथड। ये देखा गया है कि वो सॉल्यूशंस जिनकी टोनिसिटी सेम होती है उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी सेम ही होती हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जैसे कि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो
हम टोनिसिटी किसी भी सॉल्यूशन की मेज़र कर सकते हैं उस सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करके। नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी, कि टोनिसिटी को एडजस्ट कैसे किया जाए। तो दो मेथड्स होते हैं, क्लास वन मेथड्स और क्लास टू मेथड्स। पहले क्लास वन मेथड्स, जो क्लास वन मेथड्स होते हैं उसमें हम NaCl सोडियम क्लोराइड को ऐड करते हैं ड्रग सॉल्यूशन में टोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए। तो उसमें दो मेथड्स आते हैं, पहला मेथड क्रायोस्कोपिक मेथड और इसका एक और नाम होता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड, और सेकंड मेथड आता है NaCl इक्विवेलेंट मेथड। तो पहला मेथड आता है क्रायोस्कोपिक मेथड। इस मेथड को यूज किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए कि हमें कितने सॉल्ट की NaCl की कितने की हमें ज़रूरत होगी एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन प्रिपेयर करने में हाइपोटोनिक प्रिपरेशन से। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, परसेंटेज वेट इज इक्वल्स टू 0.52 माइनस ए अपॉन बी। W है अमाउंट ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस, जैसे हमने NaCl ऐड किया है तो NaCl की हमने कितनी अमाउंट ऐड करी है। A है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% सॉल्यूशन ऑफ अनएडजस्टेड सॉल्यूशन, और B है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% सॉल्यूशन ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस। सेकंड मेथड आता है NaCl इक्विवेलेंट मेथड, डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ NaCl दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम ऑफ दैट ड्रग। मतलब वो अमाउंट NaCl की ग्राम्स में जो इक्वल हो 1 ग्राम उस ड्रग के वेट के, इज इक्वल्स टू 17 LISO/M। यहाँ पे E होता है NaCl इक्विवेलेंट और M होता है मॉलिक्यूलर वेट ड्रग का, और LISO जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए उसकी डिफरेंट वैल्यू होती है। नेक्स्ट मेथड आता है क्लास टू मेथड। इस मेथड में हम वाटर को यूज करते हैं ड्रग के साथ एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाने के लिए, जैसे मेथड वन में हम NaCl का यूज़ कर रहे थे। क्लास टू मेथड्स में दो मेथड आते हैं, वाइट विंसेंट मेथड और स्प्रल्स मेथड। पहला मेथड है वाइट विंसेंट मेथड। इस मेथड में हम वाटर का एडिशन करते हैं ड्रग सॉल्यूशन में और एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। V इक्वल्स टू WE111.1, वेयर V जो है वो वॉल्यूम है आइसोटोनिक सॉल्यूशन का जो हमने प्रिपेयर किया है वाटर और ड्रग को मिक्स करके, और W है वेट उस ड्रग का जिसके अंदर हमने वाटर को ऐड किया है, और E है इक्विवेलेंट वेट ड्रग का, और 111.1 ये कांस्टेंट है। नेक्स्ट आता है स्प्राउल्स मेथड। ये सेम ही होता है वाइट विंसेंट मेथड की तरह ही, ये एक मॉडिफिकेशन होता है वाइट विंसेंट मेथड। स्प्राउल्स मेथड में हम यूज़ करते हैं वेट जो है ड्रग का W, ये हमेशा के लिए सेम ही रहता है, कांस्टेंट हो जाता है W इज इक्वल्स टू 0.3। तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है, V इज इक्वल्स टू 0.3 इंटू ई इंटू 111.1, तो V इज इक्वल्स टू 33.33 E। E है इक्विवेलेंट वेट और W जो वेट है ड्रग का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।